यूपीएससी प्री 2023 की परीक्षा के लिए अब गिनकर सिर्फ 60 दिनों का ही समय बचा है। ऐसे में उम्मीदवारों ने प्री का सिलेबस पूरा कर रिवीजन तो शुरू कर ही दिया होगा। वहीं देखा जाता है कि उम्मीदवार अपनी तैयारी के शुरुआती दिनों के मुकाबले परीक्षा के 2 महीने पहले ज्यादा टेंशन लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि परीक्षा के लिहाज से आने वाले 2 महीने के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी आपको अच्छी रैंक लाने में मदद कर सकती है। अब तक सभी उम्मीदवार का सिलेबस पूरा हो गया होगा, तो अब समय आता है रिविजन करने और अपने स्कोर बढ़ाने की तरफ थोड़ा ध्यान देने का। लेकिन यह कैसे करें, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे तो 2 महीने या कहें 60 दिन में प्री की तैयारी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी और पॉजिटिव रहकर सही दिशा में कोशिश करेंगे तो आप इन 60 दिनों में यूपीएससी प्री की पक्की तैयारी जरूर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, चुनी हुई किताबों से ही पढ़ें। अक्सर देखा जाता है कि उम्मीदवार यूपीएससी प्री के आखिर के दिनों में नई किताबों से पढ़ने लग जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यूपीएससी टॉपर्स की ओर से हमेशा यही सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तैयारी की शुरुआत में ही चुनिंदा किताबों का चयन करें और अंत तक उन्हीं किताबों से पढ़ें। आखिर के समय में अगर आप किसी नई किताब से पढ़ते हैं तो ना आप उस किताब को पूरा पढ़ पाते हैं और ना ही पिछली किताब का कुछ रिविजन कर पाते हैं। नंबर 2, टेस्ट सीरीज से करें प्रैक्टिस। प्रीलिम्स परीक्षा में ज्यादा कंफ्यूजिंग एक समान MCQ विकल्प होते हैं और इन ऑप्शंस में से सही का चयन करना उम्मीदवार के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही हर गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे में उम्मीदवार को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करने की। टेस्ट सीरीज लिखने से आपको पेपर का अंदाजा हो जाएगा और आप मुश्किल क्वेश्चंस के भी सही आंसर लिख पाएंगे। इसके साथ ही हर दिन कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट लिखने से आपको अपनी तैयारी के स्तर का भी अंदाजा हो जाएगा और उसमें सुधार करने का भी आपको समय मिल जाएगा। नंबर 3, बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की ले मदद। अक्सर यूपीएससी के टॉपर्स की ओर से नए उम्मीदवारों को यही सलाह दी जाती है कि लगभग पिछले 5 से 10 सालों के प्रश्न पत्रों से मदद लेकर ही अपनी तैयारी करें। इससे उम्मीदवार को परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है। इसके साथ ही उम्मीदवार को लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल जाता है। इसके अलावा कम समय में आपको हर चैप्टर को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसके बदले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। नंबर 4, केवल प्रीलिम्स पर दे ध्यान। कई बार देखा जाता है कि उम्मीदवार अंत के दिनों में भी यूपीएससी प्री के अलावा मेंस की तैयारी में जुटे रहते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपको इस समय अपना सारा ध्यान और सारी एनर्जी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी में ही लगानी चाहिए। इस समय मेंस का ध्यान अपने मन से हटा दें, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में ही सफलता नहीं मिली तो मेंस तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आखिर के 2 महीनों में अपना पूरा ध्यान प्रीलिम्स में लगाएं और इसकी ही तैयारी करें। नंबर 5, करंट अफेयर्स पर बनाएं अच्छी पकड़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्री में सबसे ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, इसलिए बचे हुए 2 महीनों में करंट अफेयर्स पर आपकी अच्छी पकड़ आपको प्रीलिम्स में फायदा दे सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट्स को अक्सर करंट अफेयर्स से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को कभी भी हल्के में ना लें। इसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप समाचार पत्र और मैगजीन्स की मदद से भी करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।